300 से अधिक नए विश्वविद्यालय बने। इसी दौरान देश में 5000 से अधिक कॉलेज भी खोले गए हैं। इसी प्रकार फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तो देश में कई नए रिकॉर्ड बने हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2013-14 तक देश में करीब 3,81,000 किलोमीटर सड़कें बनी थी, जबकि 2021-22 तक ग्रामीण सड़कों का ये नेटवर्क 7,00,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो गया। अर्थव्यवस्था को गति देने वाले कॉरिडोर्स की संख्या 6 से बढ़कर 50 होने वाली है। इसी तरह देश के एविएशन सेक्टर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। साल 2014 तक जहां देश में एयरपोर्ट्स की संख्या 74 थी, वो अब बढ़कर 147 हो गए। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। इसमें उड़ान योजना की भी बहुत बड़ी भूमिका है। भारतीय रेलवे अपने आधुनिक अवतार में सामने आ रही है और देश के रेलवे मैप में अनेक दुर्गम क्षेत्र भी जुड़ रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में एक आधुनिक और सेमी हाई स्पीड ट्रेन भारतीय रेल का हिस्सा बन चुका है। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के दुर्गम क्षेत्रों को भी रेलवे से जोड़ा जा रहा है। देश के बड़े रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। भारतीय रेलवे का दुनिया का सबसे बड़ा बिजली से चलने वाला रेलवे नेटवर्क बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। भारतीय रेल को सुरक्षित बनाने के लिए स्वदेशी टेक्निक कोबोच का भी हम तेजी से विस्तार कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, भारत ने उस सोच को भी बदला है जो प्रगति और प्रकृति को परस्पर विरोधी मानती थी। मेरी सरकार ग्रीन ग्रोथ पर ध्यान दे रही है और पूरे विश्व को मिशन लाइफ से जोड़ने पर बल दे रही है। हमारी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में सोलर एनर्जी क्षमता को करीब 20 गुना बढ़ाया है। आज भारत रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता में विश्व में 4th स्थान पर है। देश के बिजली उत्पादन की 40% क्षमता नॉन फॉसिल फ्यूल्स में पैदा करने का लक्ष्य देश में 9 वर्षों पहले ही हासिल कर लिया है। ये सफलता वर्ष 2070 तक नेट जीरो के हमारे संकल्प को सशक्त करने वाली है। देश में पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य पर भी तेजी से काम चल रही है। सरकार ने हाल में मिशन हाइड्रोजन को भी स्वीकृति दी है। ये ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत में लाखों करोड़ रुपये की निवेश की को आकर्षित करने वाले हैं। इससे फलस्वरूप ग्रीन एनर्जी को लेकर भी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी विदेशों में हमारी निर्भरता कम होगी। देश के शहरों में प्रदूषण कम करना भी हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम चल रहा है। फेम योजना के तहत राजधानी दिल्ली सहित देश के अनेक शहरों में केंद्र सरकार द्वारा 7,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जोड़े जा रही है। बीते 8 वर्षों में देश में
मेट्रो नेटवर्क में 3 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है। आज 27 शहरों में मेट्रो ट्रेन पर काम चल रहा है। इसी प्रकार देश भर में 100 से ज़्यादा नए वाटरवे भी विकसित किए जा रहे हैं। नए वाटरवे से देश में ट्रांसपोर्ट सेक्टर का कायाकल्प करने में मदद करेगी। माननीय सदस्यगण, आज की दुनिया में अनेक चुनौतियों से गुजर रहे हैं। आज की दुनिया अनेक चुनौतियों से गुजर रही है। दशकों पहले बनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की प्रासंगिकता और प्रभाव पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। इन परिस्थितियों में भारत ऐसा देश बनकर उभरा है जो आज की विभाजित दुनिया को किसी न किसी रूप से जोड़ रहा है। आज भारत उन देशों में से एक है जो ग्लोबल सप्लाई चेन पर विश्वास को फिर से सशक्त कर रहे हैं। इसलिए आज दुनिया भारत की तरफ उम्मीद की नज़र से देखते हैं। इस वर्ष भारत G20 जैसे प्रभावी समूह का नेतृत्व कर रहा है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के मंच के साथ मंत्र के साथ भारत की पूरी कोशिश है कि G20 के सदस्य देशों के साथ मिलकर मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक समाधान तलाशा जाए। मेरी सरकार इसको सिर्फ एक डिप्लोमेटिक प्रोग्राम तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि पूरे देश के प्रयास से भारत के सामर्थ्य और संस्कृति को शोकेस करने का अवसर है। इसीलिए पूरे देश के दर्जनों शहरों में साल भर G20 की बैठकें आयोजित की जा रही है। माननीय सदस्यगण, ये भारत के वैश्विक रिश्तों का बेहतरीन दौर है। इसमें दुनिया के विभिन्न देशों के साथ अपने सहयोग और मित्रता को सशक्त किया है। एक तरफ हम इस वर्ष SCO की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो वहीं दूसरे तरफ क्वाड का मेंबर होने के नाते इंडो पैसिफिक में शांति स्थिरता और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। हमने अपने राष्ट्रीय हितों का सर्वोपरि रखते हुए अपने भूमिका का विस्तार किया है। अफगानिस्तान में भूकंप हो या फिर श्रीलंका का संकट, हम सबसे पहले मानवीय सहायता लेकर पहुंचे। भारत को लेकर आज जो शोधभाव है उसका लाभ हमें अफगानिस्तान और यूक्रेन में पैदा हुए संकट के दौरान भी मिला। संकट में फंसे अपने नागरिकों को हम इन देशों से सुरक्षित लेकर आए। इस दौरान भारत ने कई अन्य देशों के नागरिकों को की मदद करके अपना मानवीय स्वरूप को फिर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। माननीय सदस्यगण, भारत ने आतंकवाद को लेकर जो कड़ा रुख अपनाया है उसको भी आज दुनिया समझ रहा है। इसलिए आतंकवाद के विरुद्ध भारत की आवाज को हर मंच पर गंभीरता से सुना जा रहा है। पहले वर्ष अक्टूबर में भारत में पहली बार UNSC काउंटर टेररिज्म कमेटी की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इसमें भी भारत में आतंकवाद के विरुद्ध अपनी भूमिका को स्पष्ट किया। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी चिंताओं को भी मेरी सरकार गंभीरता से पूरे विश्व के सामने रख रही है। मेरी सरकार का साफ मानना है कि स्थायी शांति तभी संभव है जब हम राजनीतिक और रणनीतिक रूप से सशक्त होंगे। इसलिए अपनी सैन्य शक्ति
के आधुनिकीकरण पर हम निरंतर बल दे रहे हैं। माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की अनंत यात्रा अनंत गौरव से भरी हुई है। हमने लोकतंत्र को एक मानवीय संस्कार के रूप में विकसित किया है, समृद्ध किया है। अपने हजारों वर्षों के अतीत की तरह ही आने वाली सदियों में भी भारत मानवीय सभ्यता को की अविरल धारा की तरह अनवरत गतिमान रहेगा। भारत का लोकतंत्र समृद्ध था, सशक्त था और आगे भी सशक्त होता रहेगा। भारत की जीवटना अमर थी, आगे भी अमर रहेगी। भारत का ज्ञान विज्ञान और आध्यात्म सदियों से विश्व का मार्गदर्शन करता रहा है और आने वाली सदियों में भी विश्व की इसी तरह राह दिखाएगा।